सो हेलो गाइज, यार कैसे हो? सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पहेली किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बालवी रिटर्न्स और तारक मेहता की कुछ मिक्सिंग मज़ेदार और जासूसी पहेली सॉल्व करेंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज किस कमाल की और इंटरेस्टिंग पहेली वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। शहर में काफ़ी तेज सर्दी पड़ रही थी। दूसरी ओर मानव को पता चलता है कि उसकी घड़ी चोरी हो चुकी है। तो मानव बालवीर को बुलाता है और बालवीर मानव से कहता है, मानव तुमने मुझको क्यों बुलाया? तो मानव कहता है, बालवीर किसी ने मेरी वॉच चोरी कर ली है, तो मैं चाहता हूँ तुम असली चोर को पकड़ लो। तो बालवीर कहता है, मानव तुम्हें किसी पर शक है? तो मानव कहते हैं, हाँ बालवीर मुझे टप्पू सेना पर शक है। तो थोड़ी देर बाद टप्पू सेना वहाँ पर आ जाती है और बालवीर उन सब से पूछने लगता है, जब मानव की वॉच चोरी हुई उस समय आप तीनों लोग क्या कर रहे थे? सबसे पहले गोगी कहता है, बालवीर बहुत ज़्यादा ठंड थी इसलिए मैं तो अपने घर में सो रहा था। और उसके बाद में सोनू कहती है, बालवीर मैं तो अपने घर पर पढ़ाई कर रही थी। और सबसे आखिर में टप्पू कहता है, बालवीर मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था। तो दोस्तों, बालवीर कुछ देर तक सोचता है और असली चोर का पता लगा लेता है। क्या दोस्तों आप बालवीर की मदद कर सकते हो? अगर आप मदद कर सकते हो तो आप इस पहेली का सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसके लिए आपको मैं 15 सेकंड का समय देता हूं। तो फ्रेंड्स, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पहेली का सही आंसर देख लेते हैं। इन तीनों में से चोर टप्पू है, क्योंकि टप्पू ने कहा था कि वो स्विमिंग पूल में नहा रहा था। लेकिन आप साइड में और घरों पर इतनी बर्फ़ जमी हुई देख सकते हो। दोस्तों, इतनी ठंडी में भला कौन स्विमिंग पूल में नहाता है? इसका मतलब टप्पू कोई बहाना बना रहा है, शायद उसी ने ही मानव की वॉच चोरी की होगी। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट पहेली को। तो फ्रेंड्स, अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए और बताइए इस इमेज से कौन सी मूवी का नाम बनेगा। तो आप अच्छे से देखिए और अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो चलिए इस पहेली का भी सही आंसर देख लेते हैं। इस इमेज से जिस मूवी का नाम बनेगा वह मूवी का नाम होगा स्पाइडर प्लस मैन इक्वल टू स्पाइडर मैन। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताओ किस किस ने स्पाइडर मैन मूवी को देखा है। तो चलिए हम देखते हैं हमारी अगली पहेली को। आज संडे है, सभी लोग बाहर खेल रहे थे। सभी लोग थोड़ी देर तक खेलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद बालवीर जब वहां पर आता है तो देखता है कि विवान का खून हो चुका है। तो बालवीर को तीन लोगों पर शक होता है, जो कि होते हैं मोंटू, मेहर और टप्पू की मम्मी। तो बालवीर उन सभी को वहां पर बुला लेता है और पूछने लगता है, जब विवान का खून हुआ उस समय आप तीनों लोग क्या कर रहे थे? सबसे पहले मेहर कहती है, बालवीर मैं तो अपने घर में किचन में कुछ काम कर रही थी। उसके बाद में मोंटू कहता है, बालवीर मैं तो पिज्ज़ा और बर्गर खा रहा था। सबसे आखिर में टप्पू की मम्मी कहती है, बालवीर मैं तो टप्पू को लेने के लिए स्कूल गई थी। तो दोस्तों, बालवीर कुछ देर तक सोचता है और असली खूनी का पता लगा लेता है। क्या दोस्तों आप बता सकते हो इन तीनों में से खूनी कौन है? अगर आप बता सकते हो तो आप अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। इसके लिए आपको 15 सेकेंड का समय मिलता है। तो चलिए इस पहेली का भी सही आंसर देख लेते हैं। इन तीनों में से खूनी टप्पू की मम्मी है, क्योंकि टप्पू की मम्मी ने कहा था कि वो टप्पू को स्कूल से लेने के लिए गई थी। लेकिन आपने पहेली की शुरुआत में सुना होगा तो मैंने कहा था आज संडे का दिन था और सभी लोग खेल रहे थे। दोस्तों, संडे था तो टप्पू की मम्मी टप्पू को कैसे स्कूल से लेने के लिए जा सकती है? इसका मतलब वह कोई बहाना बना रही है, शायद उसी ने ही विवान का खून किया होगा। वैसे दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करो। चैनल पर न्यू आए हो
तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करो जिससे आने वाली सभी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट पहेली को। दोस्तों अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए जिसमें आपको एक बतख नजर आ रही होगी। आपको इस बतख को अच्छे से देखना है और बताना है इस बतख की करेक्ट शैडो कौन सी है। तो आप अच्छे से देखिए और अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस पहेली का भी सही आंसर। इस बतख की करेक्ट शैडो नंबर 3 वाली होगी। क्या दोस्तों आपका भी यही आंसर था? तो बहुत ही अच्छे, तो चलिए हम देखते हैं हमारी अगली पहेली को। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक चैलेंज पहेली पूछी थी, बचपन में रही हरी बुढ़ापा हुआ लाल, जिसने भी मेरे को काटा हुआ उसका बुरा हाल। तो फ्रेंड्स इस पहेली का सही आंसर मिर्च होगा, जो काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था। और हाँ आज की हमारी चैलेंज पहेली है, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं। फ्रेंड्स याद रहे इस पहेली का आंसर देते वक्त आप चैलेंज पहेली जरूर से लिखिएगा। तो फ्रेंड्स आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स इस पहेली का सही आंसर हम आने वाले अपकमिंग वीडियो में बताएंगे, तब तक आप हमारी नेक्स्ट पहेली को एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स अब आप इन्हें ध्यान से देखिए जिसमें आपको दो जलपरी नजर आ रही होगी। आप इन दोनों जलपरियों को अच्छे से देखना है और कमेंट करके बताना है कौन सी जलपरी मरने वाली है। तो आप अच्छे से देखिए और मुझे अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। तो चलिए इस पहेली का भी सही आंसर देख लेते हैं। इन दोनों जलपरी में से जो जलपरी मरने वाली है वो फर्स्ट नंबर वाली है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर एक सांप है, मुझे लगता है इस जलपरी को ये सांप ने काट लिया है जिसकी वजह से उसका शरीर भी नीला पड़ चुका है, इसका मतलब वो मरने वाली है। वैसे दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। अरे यार चैनल पर न्यू आए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करो जिससे आने वाली सभी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।